जैन बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम लोग लेके आए हैं डिसकनेक्शन का पार्ट 4, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे वन ग्रुप डिसकनेक्शन। और यहाँ पे वन ग्रुप जो है वो CX डिसकनेक्शन होगा, यानी कार्बन विद हेट्रो एटम डिसकनेक्शन। तो आइए जानते हैं क्या होता है कार्बन विद हेट्रो एटम डिसकनेक्शन। तो पहले हम लोग लेते हैं फीचर्स और कंडीशन फॉर CX डिसकनेक्शन। इन दिस टाइप ऑफ डिसकनेक्शन बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस वाया हेट्रो एटम बॉन्डेड टू कार्बन। बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर टारगेट मोलिक्यूल में कार्बन के साथ कहीं पे आपको हेट्रो एटम दिखाई दे रहा है तो दैट बॉन्ड विल बी मोर प्रोन टू डिसकनेक्ट, तो वहीं से आपको वो बॉन्ड तोड़ना है। एक्स में भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर, और ये जो हेट्रो एटम है बच्चों ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन या सल्फर में से कोई भी एक हो सकता है। CX डिसकनेक्शन इज मोर कॉमन इन दोज टारगेट मोलिक्यूल विच हैव एमाइड एमीन इथर एस्टर सल्फाइड फंक्शनल ग्रुप। अगर किसी टारगेट मॉलिक्यूल में हम लोग बात करें कि सर कौन सा कार्बन हेट्रो एटम डिसकनेक्शन होगा, तो आपको ये बताया है कि हेट्रो एटम में यहाँ पर कार्बन के साथ में नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या सल्फर का बॉन्ड होगा, और ये तभी पॉसिबल है जब आपके टारगेट मॉलिक्यूल में एमाइड या एमीन या इथर या एस्टर या फिर सल्फाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। ये पॉइंट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से वही बात डिस्कस कर रहे हैं। डू नॉट ब्रेक द बॉन्ड इन विच एरोमेटिक रिंग इज नेक्स्ट टू हेट्रो एटम। आपको ध्यान रखना है कि कहीं पर भी अगर बेंजीन रिंग जो है वो हेट्रो एटम के साथ जुड़ी हुई है तो हेट्रो एटम और बेंजीन रिंग के बीच वाला बॉन्ड नहीं तोड़ना है। अगर वो तोड़ेंगे तो वो इनवैलिड होगा और आपका जो डिसकनेक्शन होगा वो गलत चला जाएगा। CX डिसकनेक्शन रिजल्ट्स इनटू कैटायनिक एंड एनायनिक सिंथेसिस। आप जानते हैं कि डिसकनेक्शन में जब बॉन्ड टूटता है तो डिसकनेक्शन या बॉन्ड तोड़ने से आपको वहाँ पर चार्ज्ड फ्रेगमेंट्स या आयंस मिलते हैं जिनको सिंथन बोलते हैं। तो यहाँ पे CX डिसकनेक्शन में पोलरिटी में डिफरेंस होगा कार्बन और हेट्रो एटम की, तो यहाँ से आपको चार्ज्ड सिंथन मिलेंगे यानी कैटायन और एनायन फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। Here कैटायनिक सिंथेसिस आर एडेड टू Cl-Br- टोजिलेट मिजिलेट commonly to get synthetic equivalents। आपको बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपके charged ions मिलते हैं synthans मिलते हैं वो आपको convert करने होते हैं synthetic equivalents में। तो synthetic equivalents बनाने के लिए अगर आपके पास cation है तो उसमें आप generally Cl- Br- या tosylate या mesylate आयन को ऐड कर देंगे और उससे आपको मिल जाएगा सिंथेटिक इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे कि ये टोसिलेट मिसिलेट क्या होता है, चिंता मत कीजिए बताऊंगा, बस एक पॉइंट और डिस्कस करना है फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस भी शुरू करते हैं आज की। तो ये बात तो ही हमारे कैटायनिक सिंथन की, अब बात करते हैं एनायनिक सिंथन की। एनायनिक सिंथेसिस आर एडेड टू H+ और CH3+ टू गिव कोरस्पोंडिंग सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स। अगर एनायनिक सिंथन की बात करें तो वहाँ पर आप जनरली H+ या CH3+ मिला के सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना सकते हैं। अब सर ये है वो टोसिलेट ग्रुप और ये है हमारा मिसिलेट ग्रुप, तो इनको OTS और OMS से शो करते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये इनका स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे O से हमारा लिंकेज होना है, यहाँ भी O से होना है, तो ये TS टोसिलेट की ये वाला फॉर्म हुआ बच्चों, तो ये कहलाता है टोसिलेट आयन, ये कहलाता है हमारा मिसिलेट एनायन या आयन। क्लियर हुआ आपको? तो आपको बताया था कैटायनिक पार्ट में इसको जोड़ते हैं तो कार्बन का लिंकेज यहाँ से कर देते हैं और वो बन जाता है हमारा सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स। एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं। अब देखिएगा हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है RX दिया हुआ है, यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला है RX, तो यहाँ पे देखिए फ्रेगमेंटेशन यहाँ से होगा क्योंकि कार्बन के साथ में हेट्रो एटम लगा हुआ है। डिसकनेक्शन एरो के ऊपर हमने CX लिखा हुआ है, यानी CX या C हेट्रो एटम का डिसकनेक्शन हो रहा है। ये देखिए डिसकनेक्शन के लिए हमने यहाँ पे एरो बनाया हुआ है, तो जब यहाँ से डिसकनेक्शन जाएगा इस टारगेट मॉलिक्यूल में तो आपको चार्ज फ्रेगमेंट या आयन मिलेंगे। तो आप जानते हैं कार्बन और X में जो है आपको बताया था कि नाइट्रोजन हो चाहे सल्फर हो या ऑक्सीजन हो, दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो जब कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो उस पर चार्ज आएगा माइनस और कार्बन पे पोर्शन पे आएगा चार्ज प्लस। तो ये हमारे बन गया कैटायन, ये बन गया हमारा एनायन, ये सिंथन हो गए। आप जानते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इनको कन्वर्ट करते हैं चार्ज लेस स्पीसीज में या चार्ज लेस मॉलिक्यूल में और वो कहलाते हैं हमारे सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स। तो आपको बताया था कि अगर आपको कैटायन मिलेगा तो वहाँ पे आप जोड़ सकते हैं Br-Cl-, तो या फिर बताया था टोसिलेट या मिसिलेट में उसको जोड़ के बना सकते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स।
तो हमने कैटायन में देखिए यहाँ पे बी आर माइनस मिलाया या ओ माइनस टी एस मिलाया या ओ माइनस एम एस मिलाया, तो ये पॉसिबल हमारे बन गए हैं कैटायनिक सिंथन से सिंथेटिक इक्विवेलेंट, और ये हमारे एनायन में हमने मिलाया है एच प्लस, तो ये बन गया हमारा दूसरा सिंथेटिक इक्विवेलेंट। होपफुली क्लियर हुआ होगा। अब कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेते हैं तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस प्रॉब्लम में देखिए यहाँ पे हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, टारगेट मॉलिक्यूल में हमको डिस्कनेक्शन से प्रोपोज सिंथेसिस बताना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिस्कनेक्शन होना है वो पॉसिबल है कि यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी तो आप देख रहे हैं कि ये वाली पॉसिबिलिटी है और दूसरी ये वाली पॉसिबिलिटी है, तो मैं अगर उसको बोलूँ टारगेट मॉलिक्यूल में पॉसिबिलिटी वन तो ये कहलाएगी पॉसिबिलिटी टू। आप जानते हैं कि पॉसिबिलिटी टू से लास्ट वीडियो में बताया था पार्ट थ्री में कि यहाँ से जो ये बेंजीन का कैटायन बनेगा फिनाइल कैटायन, वो अनस्टेबल होता है, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि रेजोनेंस या एरोमेटिसिटी उसको सपोर्ट नहीं करती है, तो ये वाला ब्रेकिंग जो है डिस्कनेक्शन जो है ये इनवैलिड है, यहाँ से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, ये वाला जो है ये पॉसिबल है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सी ओ डिस्कनेक्शन। क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ पर हेट्रोएटम जो है वो हमारा ऑक्सीजन है, तो यहाँ से और यहाँ लिखते हैं वन, तो हमने रूट वन को एडोप्ट किया है और रूट वन को एडोप्ट करके हमने डिस्कनेक्शन किया जिससे हमको मिले कैटायनिक फ्रेगमेंट और एनायनिक फ्रेगमेंट। आप देख सकते हैं ओ पे चार्ज आएगा माइनस और सी पे आएगा प्लस, तो अब आप जानते हैं कि इसमें अगर आप नेगेटिव पार्ट में एच प्लस जोड़ेंगे तो ये हमारा बन गया सिंथेटिक इक्विवेलेंट एनायन का, और ये हमारा कैटायन है, तो इसमें हम लोग जोड़ेंगे बच्चों मिजिलेट जोड़ सकते हैं क्योंकि ये कैटायनिक पार्ट है और मिजिलेट जो एनायन होता है वो नेगेटिव पार्ट होता है, तो जोड़ के हमने बना दिया इसको पॉसिबल सिंथेटिक इक्विवेलेंट। क्लियर, अब हमको ये आइडिया हो गया कि ये हमारे स्टार्टिंग मटेरियल हैं इस टारगेट मॉलिक्यूल के लिए, तो अगर हम लोगों को प्रोपोज या यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं सिंथेसिस तो रूट क्या होगा, आइए देखते हैं। तो देखिए ये हमारे स्टार्टिंग मटेरियल हैं, तो हमने यहाँ पे मिसिलेट को पूरा स्ट्रक्चर पूरा बनाया है इस बार, और जब रिएक्शन जाएगी तो आप देख सकते हैं कि एच जो है वो यहाँ पर मिसिलेट एनायन के साथ चला जाएगा हमारा एच प्लस, यहाँ से एच जो है एच प्लस फॉर्म में निकलेगा और ओ के साथ सी एस थ्री कंबाइन होगा, तो ये हमारा बन गया फिर से टारगेट मोलिक्यूल। आप देख सकते हैं तो ये हमारा सजेस्टेड या प्रोपोज सिंथेसिस है इस टारगेट मोलिक्यूल के लिए आफ्टर डिस्कनेक्शन। क्लियर, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सी एक्स डिस्कनेक्शन के लिए। तो बच्चों ये हमारा दूसरा टारगेट मॉलिक्यूल गिवन है, आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, एक पे हमने ए लिखा हुआ है, दूसरी पॉसिबिलिटी पे हमने बी लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो डिस्कनेक्शन होगा ए रूट से तो वो कहलाएगा सी ओ डिस्कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पर भी हेट्रोएटम ओ है, तो सी यहाँ पर है, ओ यहाँ पे है, डिस्कनेक्शन या बॉन्ड ब्रेकिंग का टाइप हुआ सी ओ ब्रेकिंग, और ये ए पॉसिबिलिटी है बच्चों, तो यहाँ से ओ पे चार्ज माइनस आएगा और इस वाले सी पर प्लस पार प्लस चार्ज आएगा, तो ये हमारा देगा कैटायनिक फ्रेगमेंट, ये देगा हमारा एनायनिक फ्रेगमेंट, हमारे पॉसिबल सिंथन्स हैं बच्चों। लेकिन यहाँ पे ये जो आपका डिस्कनेक्शन है ये इनवैलिड है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर ज़्यादा चांस रहते हैं कि ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा एल्कीन में, तो यहाँ पे एल्कीन बनने के चांस रहते हैं इस कैटायनिक फ्रेगमेंट के आफ्टर रीअरेंजमेंट, प्रोटोन यहाँ पे डी प्रोटोनेशन होता है और डी प्रोटोनेशन से ये बच्चों स्टेबल एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो आप यहाँ से ब्रेकिंग करेंगे ए रूट से वो गलत है, आपको ये नहीं करनी है, इसलिए ये एग्जाम्पल कराया है, एग्जाम में आता है ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस तरह कैटायनिक फ्रेगमेंट देंगे ये तो पॉसिबल है, ये तो बन जाएगा वैलिड है, लेकिन ये वाला जो आपका कैटायनिक फ्रेगमेंट है ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट में एल्कीन देगा, और एल्कीन देंगे तो सोच लीजिए आपका कभी भी टारगेट मॉलिक्यूल तक आप पहुंच नहीं पाएंगे, तो ये वाला डिस्कनेक्शन जो हुआ ये इनवैलिड है, ये आपको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सिंथन जो है वो सिंथेटिक इक्विवेलेंट में एल्कीन को बनाता है। क्लियर, अब बात करते हैं रूट बी की, तो अगर रूट बी से जाएंगे तो ये डिस्कनेक्शन भी कौन सा होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए सी ओ डिस्कनेक्शन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कनेक्शन एरो के ऊपर सी ओ ब्रेकिंग या सी ओ डिस्कनेक्शन मेंशन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमें क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ से इस वाले कार इतना पोर्शन ये अलग होगा और इतना पोर्शन ये अलग होगा, तो ओ पे चार्ज माइनस आएगा सी पे पॉजिटिव आएगा, ये हमारा बन गया बेंजाइल कार्बोकैटायन, और ये
हमारा हो गया एल्कोक्साइड एनायन, क्लियर है आपको। तो यहाँ पे हम लोग इनको कन्वर्ट करते हैं पॉसिबल सिंथेटिक इक्विवेलेंट में। तो आप ही बताइए कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे क्या जुड़ना चाहिए। तो सर यहाँ पे नेगेटिव Cl- जोड़ा तो ये बन गया हमारा सिंथेटिक इक्विवेलेंट इस कैटायनिक फ्रेगमेंट का, और इस एनायनिक सिंथन से हमको करना क्या है H+ जोड़ा, तो ये हमारा बन गया दूसरा सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो ये स्टार्टिंग मटेरियल मिल गए हैं, इससे हमको आइडिया हो जाता है कि इस टारगेट मॉलिक्यूल के लिए प्रोपोज सिंथेसिस क्या होगा। तो ये देखिए ये हमारा सिंथेटिक इक्विवेलेंट थे, इन दोनों के रिएक्शन कराई एल्कोहल से H और इस वाले बेंजाइल क्लोराइड से Cl, दोनों एज साइड प्रोडक्ट बाहर निकल जाएंगे HCl बना के, और ये दो फ्रेगमेंट आपस में क्लब हो जाएंगे एंड डेट इज आवर टारगेट मॉलिक्यूल। जो हमने स्टार्ट में लिया था वो हमको असिस्टेड सिंथेसिस से वापस मिल गया है आफ्टर डिसकनेक्शन। तो क्लियर हुआ। अब थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं फॉर CX डिसकनेक्शन। सो दिस इज आवर थर्ड एग्जाम्पल फॉर टारगेट मॉलिक्यूल। टारगेट मॉलिक्यूल दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे सल्फाइड लिंकेज है, आप जानते हैं CX CX, तो यहाँ पे दो दो पॉसिबिलिटी है बॉन्ड ब्रेकिंग की डिसकनेक्शन के लिए, रूट वन रूट टू। अगर आप यहाँ पर रूट टू तोड़ते हैं तो आप जानते हैं कि ये इनवैलिड होगा, क्योंकि यहाँ से जो आपको कैटायनिक फ्रेगमेंट मिलेगा उसमें फिनाइल कार्बोकैटायन होगा जो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सेकंड वाला तो बच्चों हो गया इनवैलिड, यहाँ ही पर निशान लगा रहे हैं ताकि क्लियर रहे, कभी भी आपको यहाँ से बॉन्ड नहीं तोड़ना है, हेट्रोएटम और बेंजीन के बीच का बॉन्ड अवॉइड करना है, नहीं तोड़ना है। अब बात करते हैं दूसरे डिस्कनेक्शन की, दूसरे ब्रेकिंग की, तो ये पॉसिबल है यहाँ से बॉन्ड तोड़ते हैं जिससे आपको दो कैटायनिक और एनायनिक फ्रेगमेंट मिलेंगे कुछ इस तरह। ये देखिए हमने यहाँ पे इनवैलिड दिखाया हुआ है, ध्यान रखिएगा। और अगर आप इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाते हैं तो सोचिए क्या बनेगा, सोचिए जी हाँ कुछ ऐसे, क्योंकि यहाँ पे एनायन है तो आप जानते हैं H+ जोड़ेंगे तो हमारा ये बनेगा सिंथेटिक इक्विवेलेंट, और यहाँ पे आपका कैटायन है तो यहाँ पे हम लोग Cl- या Br- जोड़ के ये वाला सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना सकते हैं। तो आपके प्रोपोज सिंथेसिस या सजेस्टेड सिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल या स्टार्टिंग मटेरियल आपको मिल चुका है डिसकनेक्शन के थ्रू। अब आपको बताना है कि सजेस्टेड सिंथेसिस या प्रोपोज सिंथेसिस क्या होगा। तो बच्चों हमने यहाँ पर ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स को रिएक्ट कराया जिससे HCl एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा और दोनों फ्रेगमेंट आपस में कंबाइन होकर दे देंगे हमारा टारगेट मॉलिक्यूल। क्लियर है आपको। तो आज हमने एक ग्रुप CX का डिसकनेक्शन किया, कुछ फीचर्स देखे, वहाँ पे आपको याद करने वाली कुछ चीज़ें हैं वो ध्यान रखिएगा, और ये तीन एग्जांपल हमने किए हैं जहाँ पे हमने डिसकनेक्शन थ्योरी को लगाया है CX बॉन्ड के लिए। आपको करना क्या है, ये हमारा चौथा पार्ट है बच्चों, होपफुली आपको काफ़ी कुछ डिसकनेक्शन का आइडिया हो गया होगा। अच्छे से देखिए, नोट कीजिए, कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, हम डिस्कस जरूर करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल ऐसे होते हैं कि देख के निकल जाते हैं, लाइक करना पसंद भी नहीं करते, डाउनलोड कर लेते हैं। बच्चों अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारा चैनल जो है वो ऊपर नहीं आएगा, जिससे कि पीछे रह जाएगा। यूट्यूब को सुपर कंप्यूटर ऑपरेट करता है, मैन पावर ऑपरेट नहीं करती है। तो लाइक जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लगा है, और कोई अगर प्रॉब्लम लगती है तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें ताकि हम लोग इंप्रूव कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।